वी हैव रीड पैराग्राफ 1 to 11, नाउ वी विल रिमेनिंग पैराग्राफ. वी हैव रीड दैट हाउ नरेटर सर्च्ड फॉर हिज फ्रेंड्स प्रैक्टिकल जोक बट ऑल इन वेन. नाउ वी रीड दैट ही सैट ऑन द सॉलिड आर्म चेयर एंड डिड नॉट डेयर टू गो टू बेड. उसने एक सॉलिड आर्म चेयर पे वो बैठा एंड डी नॉट डेयर टू गो टू बेड. उस दिन उसको नींद लेने के लिए भी हिम्मत नहीं हुई. ही फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट, फाइनली वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ही वॉज बींग फुलिश एंड डिसाइडेड टू गो टू बेड, कि वो उसे मूर्ख बना दिया गया है एंड उसने निश्चय किया कि वह बेड पर जाएगा. बेड वॉज सस्पिशियस लुकिंग, बेड से भी उसको शंका हो रही थी. हाउ एवर द कर्टन सीम टू बी सिक्योर, हालांकि उसके जो पर्दे थे उससे उसको सुरक्षित फील हो रहा था. ही थॉट ऑफ ए प्रिकॉशन टू एंश्योर हिज सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए उसने एक उपाय सोचा. ही ड्रू द मैट्रेस फ्रॉम द बेड फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ्स. उसने अपने बेड से मैट्रेस उठाई, शीट उठाई और बाकी के जो बचे बेड क्लॉथ से उनको उठाया. ड्रैगिंग ऑल दिस ऑब्जेक्ट इन टू द वेरी मिडिल ऑफ द रूम, उन सबको खींचकर वह रूम के बीच में ले गया. ही मेड हिज बेड ऑल ओवर अगेन एज वेल एज ही कुड, जितना अच्छा हो सकता था उसने अपने बेड को वहाँ बिछा दिया. स्लीपिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स ही एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स एंड फेल फास्ट एस्लीप. स्लीपिंग मीन्स फिसलना, वह अपने बेड क्लॉथ्स में फिसला. ही एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स, उसने सारी मोमबत्तियाँ बुझा दी एंड फेल फास्ट एस्लीप और गहरी नींद में सोने के लिए चला गया. Suddenly he was awakened with a start by a heavy body tumbling. अचानक से वह उठा. A start by a heavy body tumbling. उसके ऊपर वह नीचे दबा हुआ था एक heavy body से, right on the top on him, जो कि उसके body के ऊपर था. A dreadful noise as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down. एक भयानक noise उसको दिखाई दी जैसे एक स्लाइड लेडन पर प्लेट्स और डिशेज गिरा दिया गया हो. Almost defend him. जब वह सारे डिशेज और प्लेट नीचे गिरी उसने उसको बहरा कर दिया. He rushed into the corridor in his night shirt. लेकिन वह अपने नाइट शर्ट में बाहर नहीं जा सकता था, कॉरिडोर में नहीं जा सकता था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि वहाँ पर उजाला हो चुका था. हिज फ्रेंड्स केम हरिंग टू द स्पॉट, उसी जगह पर उसके फ्रेंड्स जल्दी से आए. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ डिसमे वैलिट लेइंग ऑन हिज इम्प्रोवाइज्ड बेड. टू हिज सरप्राइज, उनको ये देखकर सरप्राइज हुआ. ही फाउंड, उसने पाया. अ डिसमे, डिसमे मीन्स बेचैन. वैलिट, वैलिट मीन्स नौकर. लेइंग ऑन हिज इम्प्रोवाइज्ड बेड, कि उसकी जो काम चलाऊ बेड वह लेकर आया था उसके ऊपर उसका नौकर लेटा हुआ है. वाइल ब्रिंगिंग हिम हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी, जबकि वह उसके लिए मॉर्निंग टी लेकर आया था. द वैलिट हैड ट्रिप्ड ओवर, वो नौकर उसके ऊपर फिसल गया. द अनएक्सपेक्टेड बेड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर एंड फेलन ऑन हिज स्टमक. अनएक्सपेक्टेड बेड, क्योंकि उसको उस बेड के बारे में मालूम नहीं था जो कि फ्लोर के बीच में था. एंड फॉलन ऑन हिज स्टमक, और सीधा उसके ऊपर नरेटर के पेट के ऊपर जाकर गिरा. स्पाइलिंग हिज ब्रेकफास्ट ओवर हिज फेस, और सारा ब्रेकफास्ट उसने अपने नरेटर के ऊपर गिरा दिया. नरेटर हैड टेकन so many precautions by closing the shutters. Narrator ने had taken so many precautions, कई उपाय सोचा ताकि उस shutter को close कर सके. and going to sleep in the middle of the room, और वह room के middle में सोने के लिए चला गया. but those precautions had brought about the practical joke he had been trying to avoid. लेकिन अभी भी वो उन practical joke से बचने की कोशिश कर रहा था. ओह हाउ दे ऑल लव्ड दैट डे, अभी भी वो ये सोचता था कि उस दिन में कितना, उस दिन हम सब मेरे फ्रेंड्स, मैं और नौकर कितना हंसे थे. नाउ वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर इज कंप्लीट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पीकर थिंक हिज फ्रेंड्स हैड इन स्टोर फॉर हिम. सेकेंड, वाई डिडंट द स्पीकर डेयर टू गेट into the bed. Fill in the blanks. When I arrived, they gave me dash
Then I sat down dash. So we can say that in this chapter it is humorous story. It means it's a comedy type story. So how the narrator feels ashamed last and how all they loved.